पहले जादू का तोड़ खुद करे, फिर देखे कमाल, जिन्नात आपके घर से दूर जाएंगे। नाजरीन गिरामी, काले जादू का तोड़ कैसे करें, अपने घर से जिन्नात का कब्जा कैसे छुड़ाएं, यही हमारी आज की वीडियो का मौज़ू होगा। मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन गिरामी, सूरह यूनुस की आयत नंबर 85 और 86 रोजाना 100 मरतबा तवज्जो और यकीन के साथ पढ़ने से सख्त जादू खत्म हो जाता है और जादू करने वाले पर वापस पलट जाता है जब तक जादू टूट न जाए। इस अमल को करते रहे, अगर जिंदगी का मामूल बना ले तो हमेशा जादू से महफूज रहेंगे। इसके साथ घर में हर वक्त सूरह बकरा की तिलावत हल्की आवाज में लगाने से हर तरह के जादू के असरात खत्म हो जाते हैं और घर में खैरो बरकत और सुकून आता है। जिन्नात को अपने घर से निकालने के लिए जिस मकान में जिन्नात का शुबा हो या किसी इंसान पर जिन्नात का असर हो तो सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और सूरह जिन के शुरू की 5 आयतें पढ़कर पानी पर दम करके छिड़क दे, इंशाल्लाह जिन्नात चले जाएंगे। अगर किसी पर जादू का असर हो या इस पर टूने टोटके का अमल कराया गया हो तो इसके लिए रोजाना बावजू होकर अव्वल 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, इसके बाद आयतुल कुर्सी 7 मरतबा, इसके बाद सूरह फलक और सूरह नास 7-7 मरतबा पढ़े और 11 बार दरूद शरीफ पढ़कर मरीज पर 1 बोतल पानी दम कर ले। जब भी मरीज पानी पीना चाहे तो इस बोतल में से थोड़ा सा पानी निकाल कर पानी में मिलाइए और इस मरीज को पिला दीजिए। ये अमल 7 दिन तक करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला 7 दिन के अंदर जादू टोने का असर खत्म कर देगा। दुआ है अल्लाह सुभान व तआला हम सबको जादू टोने से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगेबान।